क्लास टेंथ के बच्चे काफ़ी दिन से मुझसे बोल रहे थे कि सर केमिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए। तो बच्चों जो भी स्टूडेंट्स ये एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है इजी मैथ्स चैनल पे देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि पूरी सीरीज आपको दूसरे चैनल दैट इज़ आशीष वाजपेयी वाले चैनल पे आपको मिलेगी। आशीष वाजपेयी ITJEE नीट एंड बोर्ड्स वाले चैनल पे आपको मिलेगी। तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वाले चैनल पे इसको देखेंगे, क्योंकि इजी मैथ्स तो आपको पता है ना मैथ वाला चैनल है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ठीक है वो आपको कहाँ मिलता है बच्चों बताइए, आशीष वाजपेयी वाला चैनल ठीक है। तो क्लियर, तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बड़ा ही मज़ेदार बच्चों ये चैप्टर है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप सीखेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फ्यूचर में भी आप जब 11th वगैरह में पढ़ेंगे तो इसके फंडे आपके बहुत सॉलिड होने चाहिए बच्चों, क्योंकि चाहे वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कहीं पे भी आपको एसिड बेसिस तो पढ़ना ही पढ़ना होता है ठीक है। तो आगे बढ़े बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर बहुत 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 इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स आखिर क्या होते हैं? तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स हैं जिनको जब वाटर में डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। तो एक बार फिर से सुनिएगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस हैं या केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता किन की वजह से है? तो बच्चों वो कैटायंस प्लस एनायंस की वजह से होता है। जब आप वाटर में किसी भी चीज़ को डालते हैं और वो टूटता है तो कैटायन और एनायन की वजह से होता है। बेसिकली कैटायंस क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर क्या हो पॉजिटिव चार्ज, और एनायंस क्या है? नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हैं और इनका फ्लो हो रहा है बच्चों वाटर के अंदर, तो ऑब्वियसली वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एक बार फिर से बच्चों, द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कह रहे होंगे सर देखिए हम तो एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने आए थे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या पढ़ा रहे हैं? तो भाई जो भी ये एसिड बेस या सॉल्ट हैं है ना, ये जो भी एसिड बेस एंड सॉल्ट हैं उनके पापा जी इलेक्ट्रोलाइट हैं, यानी कि यही हैं इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार। यानी कि एसिड बेस और सॉल्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब कि एसिड भी अपना जो है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स में ब्रेक होगा, बेस भी अपना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में ब्रेक होगा, और सॉल्ट भी एसिड मतलब सॉल्ट भी एसिड बेस की तरह कैटायन और एनायन में ब्रेक होगा। ये तीनों के अंदर ये प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट जी तो इनके फादर हैं और एसिड बेस एंड सॉल्ट उनके बच्चे ठीक है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप समझ में आ गई बात, सबको क्लियर है? कैटायन जानते हो कि नहीं जानते हो? जैसे कि एक एग्जांपल ले लूं मैं NaCl का, तो Na प्लस एंड Cl माइनस, गाइस Na प्लस एंड Cl माइनस। अगर मैं कॉपर सल्फेट के बारे में बात करूं भाई, तो Cu प्लस 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 CSO42 माइनस है ना। तो ये आप देखिए कॉपर सल्फेट, तो ये भी देखिए आप बहुत इंटरेस्टिंग है भाई कॉपर सल्फेट। समझ में आ रही क्या आपको बात कॉपर सल्फेट? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ये तीन मेन कैटेगरी हमारी हैं केमिकल कंपाउंड्स की ठीक है। अभी बताया ना एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ये क्या थे? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या याद हो गया आपको ये नाम इलेक्ट्रोलाइट ठीक है? तो एसिड हो या बेस हो या सॉल्ट हो, ये तीनों ही हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये केमिकल कंपाउंड्स की मेन कैटेगरीज हैं। इनके अंदर जो है बच्चों वो है सॉर टेस्ट ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना। तो बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल आपने देखे होंगे खट्टे होते हैं, जैसे कि टमाटर वेजिटेबल है पर खट्टा होता है। फ्रूट्स में आपने देखा होगा मौसमी है ना, वो खट्टा होता है। लेमन आपने देखा होगा खट्टा होता है।
हाँ तो लेमन तो देखिए लिखा ही है यहाँ पर। तो ये खट्टे क्यों हैं भाई, इनमें खट्टास कहाँ से आई है? कोई तो होगा ऐसा कंपाउंड जो उसमें खट्टे को इंजेक्शन से भर रहा होगा, है ना? तो ये जो खटास आई है बच्चों, एंड दिस खटास इज कमिंग बिकॉज ऑफ एसिड प्रेजेंट इन देम। तो इनके अंदर ये जो कूट कूट के खटास भरी हुई है, दिस इज कमिंग फ्रॉम वाई वेयर वेयर बोलिए, एसिड्स की वजह से। बच्चों ये नोट्स भी आप लिख लीजिएगा। तो इन लेक्चर्स का ये फायदा है कि बिल्कुल सॉलिड नोट्स है बच्चों, इतना आपने दिमाग में रख लिया ना तो आपके पूरे ही नंबर आएंगे। तो अब आपने सुना होगा कि बॉडी में होती है डाइजेस्टिव फ्लूइड्स, है ना? तो मोस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमंस में क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्टिव ट्रैक से जाता है स्टमक के अंदर। तो आपने सुना होगा कि अरे हमारे पेट में तो HCl है, HCl तो वो एक भी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? वो प्रेजेंट है। तो वो क्या करता है, जो भी खाने को एक तो मीडियम को, खाने का जो मीडियम है ना उसको एसिडिक बना देता है, जिससे कि आगे कुछ एंजाइम्स उसमें काम करते हैं ना, बायो में आप भी पढ़ते हैं। एंड वॉट हैपन्स बेसिकली, और दूसरा एक काम उसका होता है कि कुछ अगर बैक्टीरिया वैक्टीरिया आपके खाने में पहुँच ही जाते हैं, भाई हाथ कहाँ आपके इतने साफ होते हैं, बाहर जो खाना भी खा रहे हैं वो इतना ही साफ आप कर लो, कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया आपके चारों तरफ रहता ही है। तो वॉट हैपन्स इन दैट केस कि वो बैक्टीरिया को मार गिराता है भाई, ठीक है? तो जब जाता है उसके अंदर, तो ये सब आप देख रहे हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट चारों तरफ अपने फैले हुए। बच्चों सोप तो सुना ही होगा, है ना? हमने कहा होगा एसिड तो मैंने बहुत सुन लिया, पर बेसिस भी देखें क्या भाई, सोप्स बेस होते हैं आपके। अच्छा सॉल्ट तो नमक जो खा रहे हो तो आप जानते ही हैं। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल उसमें, कि एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड सॉर, ये जो एसिड का मतलब ही है ना, दिस हैज डिराइव फ्रॉम द वर्ड सॉर यानी खटास। सो द एसिड वी यूज इन द लेबोरेटरी बेसिकली दे आर ऑन स्ट्रॉन्गर एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड्स जो है ये लेबोरेटरी में बहुत बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं, और स्ट्रॉन्गर एसिड्स जो होते हैं दे आर करोजिव, और ये आपके स्किन को बर्न भी कर सकते, दे कैन बर्न योर स्किन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स करोजिव होते हैं, वो आपकी स्किन को जला सकते हैं। जला सकते क्या, वो जला ही देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात करें जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक, तो बच्चा पार्टी एक बात ध्यान रखा करें, तो जब भी आप अपनी लैब में जाते हो, वैसे तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमें तो लैब ही देखने को नहीं मिलती है ना, आपको तो जाने को मिलता है। लिखिएगा आप कमेंट्स में भाई कि आपको लैब के दर्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं कोरोना के बाद। तो जब आप लैब में जाते हैं बच्चों, तो ये करोजिव वर्ड को समझें कि कहीं अगर वो बॉडी में गिर गया ना तो वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेता है वाटर, बिकॉज बहुत ही प्रेम है भाई, ये जो एसिड्स होते हैं इनको पानी से बड़ा ही प्रेम है। तो ये आपके शरीर का पानी बच्चों ले लेते हैं, और फिर आपके शरीर में सब काला काला सब बचता है, तो उसी को बोलते हैं करोजिव नेचर। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एक करोजिव नेचर होता है। खट्टा वाला पार्ट आप सीख गए कि एसिड्स खट्टे हैं, खट्टे खट्टे एसिड्स कैसे हैं भाई, खट्टे खट्टे खट्टे, इसका नाम ही एसिड मतलब ही होता है भाई लैटिन में सॉ, ठीक है? लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स करोजिव हैं, आपकी स्किन को जलाते हैं। बेसिस भाई केमिकली अपोजिट होते हैं, एसिड के उल्टे हैं, जैसे हर चीज का उल्टा एक होता है बच्चों, वैसे बेस एसिड का उल्टा है। तो उल्टा क्या मतलब, वो करोजिव नहीं होता है इस सेंस में नहीं, वो टेस्ट में अगर हम लोग बात करें तो खट्टे नहीं होते, ये 100% बात है कि दे वो कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। और भाई सोपी टू टच है, कैसे हैं, सोपी टू टच बिल्कुल मतलब एकदम सोप जैसे, ना आप जानते हैं सोप कैसा होता है टच करने में। सी वाटर एंड डिटर्जेंट्स आर सम एग्जांपल ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर बेसिक। तो सी वाटर भी आपका बेसिक होता है, ठीक है? डिटर्जेंट आप पढ़ते हो भाई कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर, आप डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ते हो, वो भी आप देखते हो कि दे आर बेसिक। और इसी तरीके से बहुत सारे बेस जो है वो ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स कंपाउंड्स होते हैं मेटल्स के, ठीक है? तो मैनी बेसिस आर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन ऑल्सो बर्न वंस स्किन। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो स्किन को भी बर्न कर सकते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन ऑल्सो बर्न
है ना, स्किन्स को बर्न कर सकते, स्ट्रॉन्ग बेसिस बेसिकली दे कैन बर्न वंस स्किन, अंडरस्टैंड दिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन ऑल्सो बर्न वंस स्किन, है ना, करोजिव, करोजिव नेचर, ऐसा नहीं कि केवल एसिड के साथ वो एसोसिएटेड है, वो बेस के साथ भी बच्चों एसोसिएटेड है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अरहेनियस थ्योरी के बारे में, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी क्या होता है। तो एसिड्स की कई सारी थ्योरी होती है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई एसिड की, लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ थ्योरीज जैसे लेविस की थ्योरी, लॉरियन ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी और अरहेनियस की थ्योरी, लेकिन हम क्लास 10 में बच्चों पढ़ने वाले हैं अरहेनियस की थ्योरी के बारे में। तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जब उसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो आयनाइज होता है और रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में। तो अरहेनियस की थ्योरी कैसी है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जब उनको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो आयनाइज होगा और रिलीज करेंगे हम हाइड्रोजन आयन्स को सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही एसिड को पानी में डालेंगे, डिजोल्व इन वाटर का मतलब पानी में डालेंगे, वो आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज का मतलब आयन्स में टूटेगा, क्योंकि भाई वो तो इलेक्ट्रोलाइट के बच्चे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के बच्चे हैं तो उनको टूटना तो है ही कैटायन और एनायन के अंदर, तो इसी प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं। जब भी एसिड को लेते हैं, उसको डिजोल्व करते हैं हम लोग वाटर में, वो टूट जाता है आयन्स में, और भाई हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, ये सब आपका ऐसे टूट के निकल आता है। तो HCl को जब आप H2O के साथ डालते हैं तो वो आपको देता है हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। और इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो आपको देता है 2H+, है ना, वो आपको दे रहा है 2H+, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सल्फेट आयन में टूट रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज बेसिकली ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन आयन अंदर सल्फेट आयन, और जो वाटर होता है उसको जैसे H+ मिलता है पोलर कंपाउंड, वो हाइड्रोनियम आयन देता है, क्योंकि देखिए जो H+ होता है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ऐसे, H+ तो प्रोटॉन है, तो H+ जब पानी के साथ कंबाइन करता है तो वो एक आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है। कौन सा कंपाउंड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे कि इसने अपने लोन पेयर उठा के H को दे दिया और ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो ऐसा नहीं होगा ये कि H3O+, ऐसे नहीं लिखते, ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर है इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने प्लस लिख दिया। ये ना तो H के ऊपर प्लस है ना तो O के ऊपर प्लस है, ये ओवरऑल H3O के ऊपर प्लस है और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम। तो आपको ध्यान रखना, अरहेनियस भाई साहब बोलते हैं कि जब आप एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसको आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो वो आयन्स में टूटता है और वो रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन्स, या फिर हाइड्रोजन आयन्स बेसिकली H+ एक्वस लिखा है, वो आपका यही है, यही है, H+ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता सिंगल, या एक्वस लिखा ही हुआ मतलब हाइड्रोनियम आयन्स देता है। तो हम हाइड्रोजन आयन बोल भी रहे हैं अगर तो आप समझे कि वो हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन्स डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयन्स इन सॉल्यूशन, यही बात मैं बता रहा था, वो किसके साथ अटैच हो जाते हैं, वो पोलर वाटर मॉलिक्यूल के साथ, पोलर वाटर मॉलिक्यूल के साथ हो जाते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बोलिए, हाइड्रोनियम आयन्स, क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोनियम आयन्स। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ कुछ बातें एसिड्स के बारे में। एक तो एसिड को हम लोग कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए पहला जो कैटेगराइजेशन है एसिड का, वो दो पार्ट में हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो एसिड ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक। अच्छा, इसके लिए भी आपने एक वर्ड सुना होगा मिनरल। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एसिटिक एसिड, देखिए यहाँ पे CH3COOH, इट्स कार्बन शुड बी देयर एंड दिस कार्बन शुड बी बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, है ना, कार्बन जो है आपका ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा हो ऐसे इस टाइप से, ठीक है, O के साथ देखिए यहाँ पे बॉन्ड कर रहा है कार्बन। तो ये वाले एसिड्स हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स करते हैं, और ये निकल के कहाँ से आते हैं, लाइक सोर्स के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, दे आर कमिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिंदा वस्तुओं से, वस्तु थोड़ी नहीं होते,
है ना, प्लांट्स एंड जीव जंतु से, प्लांट्स एंड एनिमल से। सो द ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ से आ रहे हैं भाई बताइए, प्लांट एंड एनिमल से। बताइए ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, टैमरिंड है, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, विनेगर, दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स, तो समझे। और मिनरल एसिड कहाँ से आ रहे भाई, मिनरल नाम ही है, मिनरल से, रॉक से, ठीक है, तो ये कौन से हैं, जैसे HCl, H2SO4, देख रहे हैं कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इस तरीके के नहीं होंगे, लेकिन एक है भाई H2CO3, H2CO3, ठीक है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है लेकिन इट इज़ कमिंग फ्रॉम द मिनरल, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन सा है, इसको ध्यान रखिएगा आप। तो समझ गए आप, तो ये क्या हो गया, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई एसिड को आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड कैसे बोलते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन वॉट, किस चीज़ के ऊपर, कि वो प्लांट्स एनिमल से आ रहे हैं क्या, जीव जंतु से आ रहे हैं क्या, क्या उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, दैट कार्बन इज ऑल्सो अटैच टू द पोलर वॉट पोलर मॉलिक्यूल लाइक, मतलब एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ पोलर, उसमें वो डेल्टा माइनस वगैरह चार्ज आ जाता है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, और उसी कारण से एच प्लस डिसोसिएट होता है, टूटता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन प्रेजेंट है, 100% कार्बन प्रेजेंट है, एंड दैट कार्बन इज अटैच टू ऑक्सीजन, ठीक है, और प्लांट्स और एनिमल्स से आ रहा है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ से, रॉक से, रॉक से आ रहे हैं, ठीक है, मिनरल कहाँ से आ रहा है, रॉक से आ रहे हैं, रॉक से, उसके उसके नाम ही बहुत चर्चित हैं, जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, H2SO4, वो क्या होते बताइए, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, तो ये सब कौन से टाइप के एसिड है बताइएगा, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब फिर क्या होता है, जब हम लोग एसिड्स के बारे में बात करते हैं, तो इट हैज़ द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल एच प्लस आयन्स, यानी कि बेसिसिटी पर मॉलिक्यूल, एंड लाइक कितने आप जब एक मॉलिक्यूल आपका एसिड का वाटर में डालो तो कितने नंबर ऑफ एच प्लस आयन्स जो है डिसोसिएट कर सकता है, उसके बेसिस पे हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग। तो ये वाला आपका सोर्स के बेसिस पे था और ये बेसिसिटी के बेसिस पे है, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, बेसिसिटी, देखिए एसिड के केस में हम वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिसिटी, तो एक एच प्लस अगर देता है तो मोनो बेसिक है, और अगर दो एच प्लस देता है तो डाई बेसिक, और तीन एच प्लस देता है तो भाई ट्राई बेसिक, जैसे कि HCl एक एच दे रहा है, H2SO4 दो एच देगा और H3PO4 तीन एच देगा, ठीक है, तो मोनो बेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक, ठीक, मोनो बेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज ए स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, लाइक HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ वीक एसिड। तो अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि जब आप इनको डाल रहे हैं पानी के अंदर तो ये कैसे ब्रेक कर रहे हैं, है ना, ये क्या 100% टूट जा रहे हैं, पूरी तरीके से टूट जा रहे हैं, या कुछ मॉलिक्यूल्स उनके नहीं टूट रहे हैं, मतलब जैसे कि HCl है, इसको जब हम लोग वाटर में डालेंगे ना तो ये 100% आपको केवल H प्लस और Cl माइनस बचेगा। अगर आपने HCl डाला तो कोई HCl आपको नहीं मिलेगा सोल्यूशन के अंदर, यानी वाटर के अंदर, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी H प्लस और Cl माइनस। लेकिन अगर हमने एसिटिक एसिड डाल दिया, दैट इज़ लाइक CH3CO+ डाल दिया, तो यहाँ पर आपको ये मिलेंगे तो CH3CO- + H+, लेकिन बहुत सारे CH3COH भी मिलेंगे वहाँ पे, यानी कि सारे नहीं टूटते, तो जिनके सारे नहीं टूटते वो वीक एसिड कहलाते, वीक कैसे एसिड कहलाते, वीक एसिड कहलाते। और फिर एक कंसेंट्रेशन के बेसिस में, कि पानी कम की एसिड ज़्यादा, पानी कम एंड एसिड ज़्यादा, तो कंसेंट्रेटेड एसिड कहते हैं, एसिड ज़्यादा, एसिड मोर, वाटर लेस, है ना, पानी कम है यानी कि एसिड मोर, वाटर लेस, तो कंसेंट्रेटेड, और डाइल्यूट में पानी ही भरा हुआ है, खूब पानी, पानी रे, पानी ज़्यादा है, डाइल्यूट एसिड्स के अंदर क्या है, पानी ज़्यादा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेट
हाइड्रेशन वी क्लासिफाई देम एज कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स. तो ये बेसिकली नाम तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है, पर ये क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बातें कर रहा है. तो आज हमने अभी तक क्या सीख लिया बच्चों की एसिड्स और उनके क्लासिफिकेशन, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहला वर्ड जो आज हम लोगों ने सीखा दैट वॉज इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, है ना. फिर हम लोगों ने दूसरा वर्ड सीखा कि भाई एसिड बेस और सॉल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटेगरी हैं. और एसिड्स के बारे में हम लोगों ने ज़्यादा जानकारी एकत्रित की कि एसिड जो होते हैं वो सोर टेस्ट के होते हैं. भाई एसिड मतलब ही लैटिन में खट्टा होता है, ठीक है. और फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह से आते हैं और ज़्यादातर ये खट्टे होते हैं. और अपने इवन हमें ये भी ज्ञान आज हुआ कि हमारे डाइजेस्टिव डाइजेशन में भी एसिड का ज़रूरत पड़ जाता है. अच्छा, ये सब बातें तो हो गई. और स्ट्रॉन्गर एसिड्स करोजिव होते हैं. करोजिव का मतलब होता है हमारी स्किन में जल, स्किन को जला देते हैं, है ना. हम लोग कहते हैं कि छाले पड़ गए हैं, ठीक है. और बेस जो होते हैं वो एसिड के केमिकली अपोजिट. हम लोगों ने कहा सोपी टू टेस्ट, है ना. एंड सी वाटर एंड डिटर्जेंट जो है वो क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं. और मैनी बेस आर ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स विच आर लाइक कंपाउंड्स ऑफ द मेटल एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन ऑल्सो बर्न वन स्किन. ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई एसिड ही हमारे शरीर को जला सकते हैं, ऐसा नहीं है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो भी खतरनाक है. अगर उस वो भी आपके शरीर में गिर गया तो वो भी बिल्कुल वैसा ही कोहराम मचाएगा जैसा एसिड मचाता है. फिर एसिड की थ्योरी आप जरूर याद कर लेना, अरेंजेस की थ्योरी, कि एसिड बिना वाटर कुछ भी नहीं है. एसिड को आपको वाटर में डालना होगा. अगर आपसे किसी ने पूछा कि HCl गैस ये एसिड है, तो भाई HCl गैस एसिड नहीं है. HCl एक्वस, जब तक पानी में नहीं डालोगे तो HCl कैसे H+Cl- में टूटेगा, क्योंकि उसको टूटना जरूरी है. लेकिन HCl एक्वस तो टूटता है, पर HCl गैस बिना वाटर में जाए कैसे टूटेगा. अगर टूट नहीं रहा है तो वो एसिड नहीं है. अंडरस्टूड. तो भाई हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है. हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला भी आप ध्यान रख लेना. और ठीक है, आई थिंक काफ़ी आप समझ गए हैं. और प्रॉपर क्लासिफिकेशन है ना, तो बहुत ज़्यादा हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं आज. एसिड्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. अगर पूरी तरीके से टूट जाते हैं, सारे के सारे टूट जाते हैं, तो फिर तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. और अगर सारे नहीं टूटते हैं तो फिर वो वीक होते हैं. अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सब वीक होते हैं, ठीक है. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सब वीक होते हैं, ठीक है. और सारे इनऑर्गेनिक, ये मत सोच लेना कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है. पर हाँ, सारे ऑर्गेनिक वीक होते हैं, ठीक है. तो बच्चों नमस्कार, और इसी के साथ हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे. एंड आई होप कि आपका ऐसा ही साथ बना रहे. और बच्चे इजी मैथ्स वाले चैनल वाले बच्चों को मैं बोलूँगा कि आप जरूर से जरूर स्विच करिए वहाँ पर और इन्जॉय करिए अगले लेक्चर्स को इनके. और एक बात और आप ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पे आशीष वाजपेयी वाले चैनल को ये पता होना चाहिए कि पूरी क्लास टेंथ की आर डी शर्मा है बच्चों, जिसने आज तक पूरा हमारे लेक्चर्स पढ़ लिए वन टू लास्ट, उसके फुल नंबर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता. आप कमेंट्स में जाके देखिएगा बच्चों, हमें बच्चे बताते हैं कि उनके पूरे में पूरे नंबर आ रहे भाई मैथ्स में. उनके स्कूल के टीचर और कोचिंग के टीचर भी इन लाजवाब लेक्चर्स से कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भाई टाइम की कमी है. यहाँ पर कोई टाइम की कमी नहीं है मेरे पास, ठीक है. आपको अपना टाइम निकाल के सीखने की अगर इच्छा है तो आप जरूर से जरूर आर डी शर्मा के लेक्चर्स को देखें, ठीक है. यू आर गोइंग टू बी लाइक रॉक स्टार इन मैथमेटिक्स. चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस. आपका प्रेम और प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनी रहे, दुआएं हैं आपकी. चलिए बच्चों, बाय बाय.